हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कान्हा जी आप सबको अच्छी सेहत दे, अच्छा काम काज दे और मेरी वीडियोस देखने का टाइम दे। तो यार आज कुछ ऐसा है कि पापा बोल रहे थे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई उपाधि से नवाजने वाले हैं, तो आज वहाँ जाना है और देखते हैं फिर क्या होता है, क्या अरेंजमेंट है वहाँ। तब तक करो फिर ऐश। तो फिर चलते हैं फिर। अब पापा केड़ा पिंड है? पिक्की वेट, अमृतसर। पिक्की वेट कितनी दूर है यहाँ से? 25-30 किलोमीटर होगा। चलो बस। हाँ बस। तो बेसिकली उनको ये उपाधि मिली है, स्टेट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक्चुअली ये विंग है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है पीस जस्टिस हार्मनी रिलीफ फाउंडेशन। मेरे को तो नाम भी याद किया और बहुत लंबा था। हाँ, तो बेसिकली उनका काम ये है कि कोई भी अगर किसी के ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको उसका अधिकार दिलाएंगे। समझ रहे हो? जैसे किसी की कोई ज़मीन का नजायज़ कब्जा, दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स केसेस, या किसी कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे सैलरी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी है, तो वो पापा के पास आ सकते हैं, उसको असिस्टेंस मिलेगी और उसको उसके राइट्स मिलेंगे। यही है। तो फिर अभी दिन का प्रोग्राम हो गया, रात का प्रोग्राम करते हैं। अभी मंदिर जाएंगे, झूला झुलाएंगे कान्हा जी को, दर्शन करते हैं कृष्ण जी के।
तीन बातें, नंबर एक बहुत मज़ा आया, नंबर दो वो जो राधा रानी बने हुए थे और जो कृष्ण बने हुए थे ना यार, मन कर रहा था उसी टाइम उन दोनों को उठा के ले आऊँ, इतने प्यारे थे। ओहो, वो तीसरी बात ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक करके जाना यार। A few moments later. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गो छोटे से मेरे नंद गोपाल।